हेलो भाई, नमस्कार और प्रलाग आप सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी खूबसूरत सी लोकेशन से। ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा कपकोट। अभी समय है सुबह के 5:30 बजे, तो हम चल रहे हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ही लेते हैं। आज मैंने जल्दी नहीं किया क्योंकि उस साइड से आज हम इस रोड में आ गए, कल हम इस साइड से उस रोड गए, आज वहाँ से हम ऐसे होके आ रहे और घर की तरफ चल रहे हैं। और बने रहिएगा फिर आज के ब्लॉग में जो भी होगा। मैंने कहा रोज़ रोज़ एक जैसा क्या दिखाऊं, तो आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग देर से करी तो आप लोगों को बोर ना हो, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। देखना, बोला ना मैंने कितनी प्यारी लोकेशन, मेरे को तो इतनी प्यारी लगती है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आ रहा होगा हमारा प्यारा सा कपकोट। वैसे तो आप प्यारे प्यारे कमेंट से पता चल जाता है, तो बने रहिएगा। फिर अब दौड़ लगाती हूँ, वो बहुत आगे चले गए। तो दोस्तों इतना आगे चले गए, मैं लगाती हूँ दौड़, देखती हूँ मेरा कैमरा कितना स्टेबल रहता है। गिम्बल शॉट हो पाता नहीं, बॉक्सिंग बॉक्सिंग गिम्बल शॉट हिल रहा है भाई, नहीं होता। गिम्बल गिम्बल ही होता है, फ़ोन फ़ोन ही होता है, आईफोन आईफोन ही होता है, गोप्रो गोप्रो ही होता है दोस्तों। तो कुछ समय बाद गोप्रो लिया जाएगा। हो तो दोस्तों ये रहा हमारे यहाँ कपकोट का एकमात्र शिवालय। मंदिर का काम हो गया है सुबह सुबह, सुबह सुबह दिया बत्ती घंटी वगैरह सब धुल गए हैं थाली वाली, तो पंडित जी यहाँ कर लेते हैं सुबह सुबह जल्द से। यहाँ पे है हमारा पीछे से पोस्ट ऑफिस कपकोट का, शिवालय वाले एरिया में। इस एरिया को यहाँ पे शिवालय कहा जाता है, शिवालय वाला, यहाँ से ऊपर को आणू कहा जाता है। अलग अलग जगह के नाम हुए, ऊपर ऊपर हुआ भाइयों, ठाण ऊपर, इससे ऊपर अलग अलग नाम कहा जाता है यहाँ से। नहीं हुई लड़ाई, दोस्त बन गए वो दोस्त। तो दोस्तों ये रहा रात की रानी, जिससे आती मस्त खुशबू और बॉक्स सोच रहा है मुझे देगी। पहले हम ऐसी टहनी तोड़ के लाते थे जब हम पहले घूमने जाते थे, छीन लेता था ये हाथ से। तो दोस्तों ये रहा हमारा कपकोट का बाजार, जो एकदम सुनसान पड़ा है। यहाँ पर ये बैंक रहा, बाकी और आगे तक ऊपर तक देखिए ऐसे सुनसान है। और ना कि मम्मी ने लाइट बंद कर दी रोड की, और यहाँ तक फिर इससे आगे और बाजार है। बाकी ये रहा अपना निवास स्थान और यह रहा घर जाने का रास्ता। तू कहाँ जाएगा? हैं, मैं तो यहाँ जाऊँगी, तू कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बुक्सी? हेलो, गुड मॉर्निंग, नहाया धोया लाल, गुड मॉर्निंग। और वहाँ से घूमने के बाद घर आने के बाद कपड़े धोए, झाड़ू पोछा, मम्मी ने साग सब्जी कर दिया है, रोटी भी बना दी है और सब्जी भी बनी है, दिखाती हूँ। मटर पनीर, लिंगड़े और रोटी। तो हम गर्म गर्म नाश्ते का इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों दुकान के बाद अभी मिल रही हूँ मैं सीधे आपको किचन में, फिर से सुबह नाश्ते के बाद दुकान में, दुकान से फिर घर में। और मम्मी लोग गांव चले गए हैं, सुबह चले गए थे वो, तो दाल वाल भी खा गए थे। मैंने दाल रखी, दाल पकी, लेकिन चावल बन रहा है, ये धोने मम्मी ने रखी थी, मैंने दस बस उसको अलग किया पानी से। सुबह की सब्जी है लिंगड़े की, और बस कुछ दिनों के लिए आए थे मम्मी लोग, फिर चले गए वो गाँव, क्योंकि गाँव में काम करना है, ककड़ी वकड़ी की बेल जाएंगे, उनमें वो लगाने हैं, ठेंगार लगाने हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो आते जाते करते रहते हैं। तो चले गए हैं कुछ दिनों के लिए, फिर मैं बोल रही मैं गांव जाऊंगी गांव जाऊंगी, लेकिन हमारा जाना देखते हैं कब तक होता है, नेक्स्ट संडे सैटरडे संडे ऐसे ही हो पाएगा। तो अब फिर से चलते हैं दुकान में, बस मेरे चावल में कुछ सीटी आ जाए तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों ये सारे कपड़े धोए थे सुबह, अब उठाने, इतनी तगड़ी धूप हो रही है। बोल रहे हो जिम? जिम नहीं आओगे? हेलो, तो बोलो सब्सक्राइबरों को। हेलो जिम, हम लोगों के लिए कहाँ जिम ठहरे, एक डंबल ही नहीं उठा पाएंगे, वहीं पर हम खुद गिरे रहेंगे। घूम रहे हैं, सुबह सुबह वॉक करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। हेलो गाइस, आज की ब्लॉग, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, बोला। तो दोस्तों आज
ये होम आज ना इसका रिमोट मैंने गपत कर रखा था तो टीवी नहीं देखने दिया क्योंकि होमवर्क गिरने वाला था अभी। ये लो तो करेक्ट 1 बजे इसको रिमोट मिला सुबह से 10 बजे के बाद। अभी थोड़ी देर देखेगा, फिर खाना खाएंगे और फिर होमवर्क करेंगे, फिर मूवी देखेगा। चलो मैं चलती हूँ दुकान में। दोस्तों अभी चले गए हैं सारे घर को और सुबह से मेरा काम था कटिंग करना, अभी सिल रही थी थोड़ा बहुत, ये ब्लाउज है थोड़ा सा गला वाला बनाया। थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर खाना खाते हैं। ये देखो तो धागे का चट्टा कैसे लगा के गए, ये मंजू के काम है, सब ऊपर से निकाले अपने धागे छांटे, लास्ट में वहां रखे नहीं। तो ऐसे ऐसे अधूरे अधूरे काम करने वाला कौन कौन है मेरी वीडियो देख रहा है वो जरूर से बताए। तो अभी बाल बनाने हैं, सुबह से धोए हुए थे ऐसे ही हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं कह रही थी ना किस किस की आदत ऐसी है कि जो सामान जहाँ पर से निकालो वहीं ना रखो, इससे क्या होता ना पूरा जगह पूरी बिखरी। तभी तो मेरी आदत ऐसी है, जो सामान जहाँ से निकालो वैसे सेट रखो, जहाँ से निकालो वहाँ से रखो। तो इससे क्या होता है अपना साफ सुथरा जो भी, बस इनको नहीं मत देखना, ये कपड़े हैं इनको मैं रात को फोल्ड करती हूँ, जब उठा के लाई मैं ऊपर छत से वो है ये, इनको मैं रात को ही फोल्ड करती हूँ जब दुकान से घर आती हूँ। और अभी बाल बनाती हूँ। और हर किसी की आदत होनी चाहिए कि जो सामान जहाँ पर से निकालो वहीं रख दो, तो इससे क्या होता है कि दूसरे का भी समय बचता है, साफ सफाई। मैं तो दमों को भी ऐसी बना रखा है कि अपने किताबें जहाँ पर पढ़ रहा है जहाँ पर लिख रहा है वहाँ से उठा के जहाँ से निकाले वहाँ रखो, तो इससे क्या होता है घर में किसी दूसरे का भी काम नहीं पड़ता है और अपना भी काम हल्का हो जाता है। तो ऐसी आदत हर किसी की होनी चाहिए। मैं पहले बाल बनाती हूँ फिर खाना खाएंगे। तो दोस्तों अभी समय है दिन के 2 और खाना खा लेते हैं। खाने में है सब्जी, खीरा, दाल। तो दोस्तों देखो चश्मा लग गया मुझे। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी ये बारीक वाला काम होता है एडिटिंग करना, सिलाई का। नेहा आई है, ये क्यों भाग गई? तो इसी नेहा की मिठाई खिलाई थी मंजू ने हमें परसों, जो ये वहाँ निकली है। तो ये तारा मौसी है, इनको बहुत सपोर्ट करना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बता तो सही नहीं, नेहा को रंगा शॉर्ट्स करके। तो ये कुछ समय तो वीडियो नहीं डालेगी दोस्तों ये, क्योंकि अब जाएगी हॉस्टल देहरादून। तो जब आएगी बड़ी होके इंटर पास करके आएगी तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, तब मैं तेरा चैनल प्रमोट कर दूँगी, ठीक है? yes, तब तक yes, मेरे क्या पता 20-50 हज़ार सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे तेरे को बास पास करने। उससे ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों ये मंजू की बेटी है बड़ी वाली, एक छोटी वाली है। तो इसने अपनी मेहनत से बलबूते से ये निकल गई है देहरादून। हिम ज्योति ना, तो वहाँ के लिए ना सभी कुछ टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, फिटनेस वगैरह। तो उसमें मेडिकल में थोड़ी सी आँखों की वो हुई थी, तो कुछ दिनों के इसके चश्मे बने ये। तो मैं भी ट्राई कर रही थी, अभी बताना जरूर कि कैसा लग रहा है मेरे पे। मैं कितने समय से देख रही थी, पहले जब हल्द्वानी गई थी तो लेंस कार्ड में जाऊँगी करके। वैसे ठीक दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं ना नेहा? गोल वाले अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं, नहीं तो सजेस्ट ज़रूर करना कि कैसे आकार के बनाओ। मैं इसको ऐसे दिखते हैं ये। चलो दोस्तों अब काम स्टार्ट करते हैं, बीच में थोड़ी सी बकवास हो गई है, सब लगे हैं अपने अपने काम पे। ये देखो आ गई आज बैनी, कल इसी को वीडियो कॉल पे देखा था लेकिन बाद में दिन में कोई दूसरे आए ना, मैंने सोचा यही है और वो है। अच्छा। तो कहीं के थे ये देखो आज। हेलो, आज बैनी को लेके आ गया, कल थोड़ा हेलो बाहर से लाइट पड़ गई थी। हेलो बोला आप ही। तो ये नमो के फैन है खासकर, और ये है मेरे। हेलो, ये इनके मम्मी और वो मामी कल आए थे, आज इसको लेके आ गए। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। कितनी खुश हो? कितनी खुश हो? कल तो आने चाहिए, किस किस को बताओगे? शेयर करेंगे तभी तो उसकी फोटो शेयर होगी। देखो नमो तो बगल में फरमा ही रहा है। दुकान से घर आ गई हूँ, अभी सब में सबका चल रहा है ये बैठक। पति देव को जो दूर दूर से ही निकालती हूँ मैं, ये बैठे हुए हैं, बैठक पार्टी हो रही है सबकी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी दुआ से घर आके आटा वाटा गूंथा, और सब्सक्राइबर आए थे जो कल आए थे सुबह, उनकी बहन और मम्मी थी जो मेरे को दिन में मिस्टेक हो गई थी वो वाले, और तो अभी आए थे। अच्छा लगा, हम लोगों के लिए चिप्स वगैरह लाए थे और मैंने आज जल्दी जल्दी काम कर लिया है।
और सभी की चाय चल रही है अभी शाम को, तो तब तक इस बीच मैंने आटा वाटा गूंथा, अंदर का काम पहले निपट जाए तो मेरे को सच पड़ जाती है। तो घर आके ड्रेस वगैरह चेंज भी कर लिया और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं कल किसी अच्छे से दूसरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ इस ब्लॉग को आप काफ़ी अच्छा प्यार दोगे और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और मैं मिलती हूँ कल किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय। एंड देखो ऐसा तो दिखेंगे कम से कम पति देव।